students, myself Navneet Bhandari, Director of Quantum Academy of Education, Karnal. So we are making some video lectures for class 10th, right? As we can see, due to lockdown, there is lots of disturbance in the study of 10th class students. We are already making the videos for plus 1 and plus 2. So this is my initiative toward the digital classroom, or you can say it's a virtual classroom. You can ask your doubts, right? You can send your queries on comment box, and the students who are connected with me on the app, they can send their queries on the app, and you will get definitely solution within 1 hour or 2 hour, right? So we will start with chapter 1, right? Chapter 1 of physics. I'm a physics teacher, right? And so I will gonna help you in physics subject, right? So you have 3 segments: physics, chemistry and biology, and I will teach you physics. The chapter 1 for physics is electricity, right? So to make it simple, we will use both languages, English and Hindi, right? So that everybody can understand the content, right? So see, electricity chapter aap bachcho ke liye bahut important hai. Board exam mein ye chapter 7 se 10 number ka aa sakta hai, hai na? तो चैप्टर का कंटेंट हम एक बार देख लेते हैं. चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, नाइन्थ में आपने जो भी पढ़ा और जो टेंथ में आप फिजिक्स में पढ़ोगे उसमें एक डिफरेंस है. नाइन्थ में जो आप पढ़कर आए हो, इट्स ऑल अबाउट मैकेनिक्स. मैकेनिक्स का मतलब आपने मोशन को पढ़ा, कॉज ऑफ मोशन को पढ़ा, राइट? आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, आपने वर्क पावर एनर्जीज, इन सब चीजों को पढ़ा. लेकिन टेंथ के साइंस इज क्वाइट डिफरेंट. आप यहां पर क्या पढ़ने वाले हो, आप इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग, हाउस होल्ड सर्किट्स, ये सब चीजें पढ़ोगे. और क्या पढ़ोगे आप, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म, और आप मोटर जनरेटर, इनका फिनोमिना पढ़ोगे, राइट, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का. आप और क्या पढ़ोगे, आप लेंसेज को पढ़ोगे, आप मिरर्स को पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ आप पढ़ोगे. तो टेंथ की साइंस थोड़ी सी अलग है नाइन्थ की कंपेरेटिवली, बट No worry about that. See, सबसे पहले हम जो कंटेंट की शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है. इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज अ ब्रांच या दिस इज अ सेगमेंट इन विच वी ओनली स्टडी अबाउट द चार्जेस. चार्जेस क्या होता है, राइट? अभी नाइन्थ क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई. लेकिन हमने उन चार्जेस को थोड़ा अलग सिनेरियो से, अलग तरीके से हमने देखना है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी के 2 सेगमेंट है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट, और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, राइट, और करंट का मतलब, जैसा आप पढ़ते हो ना कि वाटर करंट्स, वाटर वेव्स, तो करंट का मतलब होता है समथिंग इज मूविंग इन अ पैटर्न. सो वन सेगमेंट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जब भी चार्जेस रेस्ट पर है और आप उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हो तो उसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. चार्जेस जब मूव करेंगे उस तरह की स्टडी को या उस तरह के जितने भी फिनोमिनाज चार्जेस शो करेंगे उसको मैं बोलूंगा क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो पहली चीज तो हम ये क्लियर करते हैं ये चार्जेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज. तो जब मेरा क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को बताओ जरा, तो 90% बच्चों का आंसर यही होता है कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब चार्ज पॉजिटिव होता है और चार्ज नेगेटिव होता है, 2 तरह के चार्ज होते हैं. बट दिस इज द टाइप ऑफ चार्ज कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है. बट माई क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज. तो इस बात को हम समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो, पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि चार्ज का कॉज क्या है, चार्ज आता कैसे है. दूसरी बात, चार्ज आने के बाद उसका इफेक्ट क्या है, राइट? तो चार्जेस आ जाने से क्या होगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज की एग्जैक्ट डेफिनेशन कि चार्ज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, राइट? बिकॉज मैं +1 +2 IIT JEE मेंस नीट इन सब के लिए बच्चों को प्रिपेयर करा रहा हूं. तो टेंथ में अगर मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा तो डेट विल बी समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक. हम आपको कुछ अलग तरह का ही पढ़ाएंगे क्योंकि हम आपको वो चीजें बताएंगे जो आपका क्लास टीचर, राइट, या कोई साइंस टीचर मिस कर देता है.
दिस इज ओवर सेगमेंट, सो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपने को ये पढ़ना है कि कॉज क्या है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आ सकता है। आपने ये पढ़ा था कि भाई इस दुनिया का सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो है एटम। फिर आपने पढ़ा कि नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन और एटम के अंदर न्यूट्रॉन है। उसके बाद आपने ये भी जान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, राइट। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में आपने जाना, और कहीं ना कहीं इनका साइज एटम से तो छोटा है। तो देखो एक सिंपल से एग्जांपल से हम चीजों को समझते हैं। सभी ने, आप सभी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर का मतलब है 11, राइट। एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, राइट। इट मींस 11 नंबर, अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका यह मतलब होगा कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 ही प्रोटॉन्स है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 1। हर एटम ये चाहता है कि उसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो रहे या तो 2 या 2 8 या 2 8 8, ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर सोडियम अपना ये जो 1, जो उसकी थर्ड शेल के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको कहीं बाहर फेंक दे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने प्रोटॉन्स बचेंगे, इसके पास 11 प्रोटॉन्स, और इसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सोडियम जो है ये Na पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो इससे अपने को ये पता लगा कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सिग्निफाई करते हैं नेगेटिव चार्ज को। अगर मेरे अंदर से बुराई चली गई तो मैं भी पॉजिटिव हो जाऊंगा, फिर ये तो फिर भी क्या सोडियम है, राइट। इस तरह से आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को ही क्या डाला जा सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसको हम लूज और गेन नहीं करा सकते, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन के लिए। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब 1 से लेकर 20 तक एटलीस्ट आपको एटॉमिक नंबर सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ही इसके पास प्रोटॉन होंगे। इसका यह मतलब हुआ कि इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। अब इसको अगर 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना है, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा इजी होगा या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना। तो ये 2 8 8 को पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और जिसकी वजह से यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और इसके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं क्या लगा दूंगा, Cl नेगेटिव, -1 लगा देता हूं, है ना। जैसे कि यहां पर +1, यहां पर -1। सो दिस इज हाउ बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, कि भाई इलेक्ट्रॉन को अगर आप गेन करोगे तो आप हो जाओगे नेगेटिव, अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर दोगे तो आप हो जाओगे पॉजिटिव। एक और एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 प्रोटॉन्स है, राइट। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगा, 283 आएगा। 288 पाने के लिए, 288 कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए एल्यूमिनियम को या तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा या 4 या 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। अजहान कौन सा है, लूज करना, क्योंकि वो नंबर क्या है, 3, गेन करने वाला नंबर है 5। तो ये 288 ना पाकर ये 28 में भी स्टेबल हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया 28 में भी क्या स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसके लिए 28 गेन करना इजी है, राइट। जैसे यहां वहां पर इसने क्या गेन किया, 288, इसने गेन किया 28, यहां पर ये क्या गेन करेगा, 28। तो 28 कैसे हो सकता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए इसके अंदर से, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहां पर क्या बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही, अभी भी 13 प्रोटॉन्स। तो इसके ऊपर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, 13 - 10 3 यूनिट्स, तो इट विल बी Al3+। इसको ऐसे लिखना चाहिए, 1+, है ना, 1-। तो दिस इज हाउ बॉडी एक्वायर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द कंसेप्ट, हाउ बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज, हाउ बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, जिसको आप अनायन कटायन भी बोलते हो, है ना। आपने 9th क्लास में पढ़ा था अनायन कटायन, पॉलीएटॉमिक आयन से सारा कुछ। तो हम फिजिक्स में सिर्फ ये बता रहे हैं अभी आपको कि चार्जेस क्या है, और चार्जेस के लिए
आपको ये पता होना था, चाहिए था कि चार्जेस को अक्वायर किया कैसे जाता है। अब अगली चीज जो हमें समझनी है, कभी भी आप किसी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लेकर जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। जैसे कि अगर आप नाइन्थ क्लास में, अगर आप उस चैप्टर सेकंड या थर्ड चैप्टर है आपका जो, उसमें नजर मारो तो आयन हमेशा ऐसे बन रहे होंगे, Na प्लस Cl नेगेटिव, इस तरह के आयन H प्लस Cl नेगेटिव, Al 3 प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि हमेशा एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। तो मॉलिक्यूल नहीं, कंपाउंड फॉर्मेशन हमको बोलना चाहिए इसको, टू बी टेक्निकल। तो Na प्लस Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl, H प्लस और Cl नेगेटिव बनाकर क्या बनेगा, HCl, Al3 प्लस और इसको मिलाकर क्या बनेगा, AlCl3। तो दिस इज हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। बट अगर मैं बोलूं कि क्या आपने ये कंपाउंड सुने, Na प्लस और Li प्लस मिलकर आपस में बॉन्ड बना रहे, तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट। देखो तो एक्चुअल में ये प्रोसीजर हुआ कैसे, ये काम कैसे करते, देखो सोडियम के पास 281 कॉन्फ़िगरेशन था और एल्यूमिनियम का, सॉरी क्लोरीन के पास था 287 कॉन्फ़िगरेशन। इसकी नीड ये थी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये 28 कॉन्फ़िगरेशन बना देगा, है ना। तो इसलिए Na प्लस से इसने क्या, Na एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर कर दिया, क्लोरीन को, और क्लोरीन को ट्रांसफर करते ही इसके पास हो गया क्या, 288 कॉन्फ़िगरेशन, और इसके पास क्या हो गया, 28 कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया, और दोनों की सहमति से, दोनों के एग्रीमेंट से कंपाउंड बन गया। तो इसलिए इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन काम करता है कि एक के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक के पास डेफिशिएंसी होनी चाहिए। एक्सेस वाला अगर डेफिशिएंसी, अब देखो अगर देश के सभी अमीर लोग गरीब लोगों को अगर पैसे दे देंगे तो क्या देश न्यूट्रल हो जाएगा, देश में कोई भुखमरी नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा, तो जिसको जरूरत है पैसों की उसको पैसा मिल रहा है, और जिसको पैसे की जरूरत नहीं थी बट उसके पास पैसा था, राइट, उसने अपना पैसा दान कर दिया। तो दिस इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस। तो इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि अब आपको लग रहा हो कि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, चैप्टर तो फिजिक्स का है ये, बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको बिल्कुल गहराई से उठाकर लेके जाऊंगा कि चार्जेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मुझे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों का, तो ये चीज जरूरी है। तो हमको ये चीज पता लगी कि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस, कि भाई अगर Na प्लस के पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 इस तरह की स्पीशीज को मैं बिखेर दूं, तो ये देखने को मिलेगा कि जब तक ये Na है, Na इन सब में से किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसके पास Na पॉजिटिव आ जाएगा, ये सभी पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर देगा, दूर भगा देगा ऐसे, और सभी नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो इससे अपने को ये क्लियर हो रहा है कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज आते ही वो इस लायक हो गई है कि या तो वो फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, मतलब या तो रिपेल करना स्टार्ट कर देगी या अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो कैसे हुआ ये सब, इसने क्या एक्वायर किया, इसने एक्वायर किया चार्ज, चार्ज आने से, अच्छा चार्ज कैसे एक्वायर किया, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ओके। चार्ज आया कैसे आया, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ओके। हुआ क्या इससे, इससे डेवलप हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इससे इलेक्ट्रिक फोर्सेस डेवलप हो गए बॉडी के अंदर। दो मिनट के लिए इमेजिन करो कि मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और मेरे आसपास बहुत सारी पॉजिटिव चीजें पड़ी है, जैसे मैंने चार्ज एक्वायर किया, अब जस्ट इमेजिन करो कि मेरे आसपास जितनी भी पॉजिटिव चीज थी वो उड़कर एकदम, क्या जैसे साउथ की मूवीज में होता है भाई, हीरो ने पैर रखा और बड़ी बड़ी गाड़ियां क्या घूम घूम कर क्या दूर गिर गई। तो जैसे मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेरे आसपास जितनी भी पॉजिटिव स्पीसीज होगी एकदम रिपेल हो जाएगी मुझसे, और अगर मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आता तो वही पॉजिटिव चीजें जो मेरे आसपास थी वो एकदम मुझसे आकर चिपक जाएगी, राइट। तो दिस इज बेसिकली चार्ज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज।
अब मैं चार्ज को यहां पर ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच डेवलप इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एलिमेंट्स, राइट। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज। नाउ कुछ बेसिक बातें और करते हैं, इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्या उसे इसको डिनोट करेंगे, जैसे कि मास को एम से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, टाइम को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लिखेंगे क्या, क्यू। हालांकि क्यू क्यू नॉट और ई, ये सभी के सभी चार्जेस को रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स है। कैपिटल क्या हो, स्मॉल क्या हो, क्यू नॉट और ई, इसके बारे में हम क्या बाद में बात करेंगे, क्योंकि इन सब का मतलब तो यही है चार्ज, लेकिन क्यू का मतलब क्या है, सोर्स चार्ज, क्यू का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज, क्यू का मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज, क्यू नॉट का मतलब है टेस्ट चार्ज, और ई का मतलब है चार्ज और इलेक्ट्रॉन। तो अभी अपने को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सिंपल सी बात है, क्यू को डिनोट किससे करेंगे हम, चार्ज को किससे डिनोट करेंगे हम, क्यू से। इसकी जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो क्या होगी, कूलम, राइट। एक साइंटिस्ट हुए कूलम, तो उनके नाम पर इसकी यूनिट रख दी कूलम, जैसे कि फोर्स की न्यूटन, राइट, फोर्स की यूनिट। आगे मैं आपको एक और यूनिट बताऊंगा, ओम। अब बोलूंगा सर ये ओम क्या है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कूलम, जैसे कि मैं मुझे लिखना होगा कि चार्ज क्या है, क्या इज इक्वल टू 7 कूलम, चार्ज क्या है 10 कूलम, 15 कूलम, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द चार्ज, ठीक है। तो आगे चार्ज को समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं आपको, पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 7 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, और इतना में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। जैसे कि मास है, मास क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो भी बॉडी की, मास 10 केजी, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा मास जो है वो 30 केजी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरह से ही सेकंड प्रॉपर्टी, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन आप बनाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप x प्लस वाई को जब जोड़ोगे तो आपको क्या कोई z कंपाउंड मिलेगा, या z को जब आप स्प्लिट करोगे हीट देकर, राइट, तो आपको क्या कोई x प्लस वाई कंपाउंड मिलेगा, x प्लस वाई एटम मिलेगा, कुछ भी आपको ऐसा, आप जब आप केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से गो थ्रू होगे तो आपको कुछ रिएक्शंस का पता लगेगा, आप फिर वहां पर बैलेंसिंग सीखोगे। तो बैलेंसिंग का मतलब ये होता है, देखो कभी भी कोई चार्ज जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, रिएक्शन में लेफ्ट साइड पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, कि दो चीजें आपस में केमिकली कंबाइन हो रही है, जिससे एक तीसरी चीज आपको क्या उनके कॉम्बिनेशन से मिल गई। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में होंगे। यानी कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सपोज करो इस साइड में, टोटल सभी को अगर मैं ऐड कर दूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मान लो 25 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में मैं सभी एटम्स के जब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूंगा और प्रोटॉन्स को काउंट करूंगा तो वो भी कितने होने चाहिए, 25, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन से कि इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो हमेशा कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब कभी भी क्या आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, यहां तो 4 कूलम चार्ज और वहां पर कितना होगा, सिर्फ 2 कूलम चार्ज, नहीं ऐसा नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा था ना, फाइनल मोमेंटम सम ऑफ टू बॉडीज, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ टू बॉडीज,
या आपने पढ़ा था फाइनल मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। इसी तरह से आप ये समझो कि टोटल चार्ज ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ प्रोडक्ट। सो दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम एडिंग सम मोर प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवेरिएंट? कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मान लो प्लस सेवन कूलम है, राइट, ये अभी रेस्ट पर है, यू इज इक्वल टू जीरो पर है, अगर मैं इस प्लस सेवन कूलम को 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भगाना स्टार्ट करूं तब भी ये कितना रहेगा? प्लस सेवन कूलम। अगर मैं इसको और ज्यादा वेलोसिटी दे दूं तब भी कितना रहेगा? ये प्लस सेवन कूलम। सो दिस इज हाउ आई कैन से चार्ज के मैग्नीट्यूड और उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो रेस्ट से मोशन में भी जाए। तो जितना चार्ज मोशन में उतना ही चार्ज क्या है? रेस्ट पे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, चार्ज क्या इनवेरिएंट है, वेरी नहीं करता मोशन के साथ, ठीक। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो वहां पर इतना डिटेल में आपको चार्ज के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर रखा, जस्ट आपको बता रखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। हालांकि एक आधा क्वेश्चन क्वांटाइजेशन पे जरूर है, बट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को, अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। और इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो बच्चा मुझे क्या कॉन्टेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी गिवन है, और जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड ऐप के थ्रू वो तो खरीद सकते हैं कॉन्टेक्ट। तो सी क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं हम, ठीक है। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको समझने के लिए आपका थोड़ा सा मुझे क्या बताना पड़ेगा आपको। देखो सुनो, आपको एक दो एग्जांपल से शायद चीज क्लियर हो जाए। देखो अगर इस दुनिया में सिर्फ एक 10 रुपए का नोट हो, सिर्फ एक 10 रुपए का नोट है, ना कोई 1000 का, ना 500 का, ना 200 का, राइट, ना 2000 का, सिर्फ एक 10 रुपी नोट, क्या मैं 10 रुपए का नोट अगर इस दुनिया में सिर्फ एक वही अवेलेबल हो, क्या मैं किसी भी पर्सन को क्या मैं 37 रुपीज दे सकता हूँ? क्या मैं 25 रुपीज दे सकता हूँ? क्या मैं 12 रुपीज दे सकता हूँ? आपका आंसर क्या होगा? सर नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि मैं तो 20 रुपीज भी दे सकता हूँ, मैं 50 रुपीज दे सकता हूँ, मैं 40 रुपीज दे सकता हूँ, 1000 दे सकता हूँ, यानी कि मैं उतना अमाउंट दे सकता हूँ जो मल्टीपल होगा 10 रुपी के नोट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। अब इस एग्जाम्पल का, इस कंसेप्ट से क्या लेना देना है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज पहली जो मैंने आपको समझाई एक एग्जाम्पल के थ्रू। अभी दूसरी चीज आपने एक और एग्जाम्पल पर फोकस करना है। सपोज एक दीवार है इस तरह से, और यहाँ पर एक दूसरे एग्जाम्पल में भी एक दीवार है इस तरह से, यहां पर एक पर्सन है और उसके पास एक बकेट है, बकेट में बहुत सारे बेलून्स हैं, सेम साइज के बेलून्स हैं वाटर के, और एक पर्सन है यहां पर, उसके पास एक पाइप है, राइट, और दोनों ने इस दीवार को गीला करना है। तो ये क्या करेगा? इस पर बेलून्स पे बेलून्स ऐसे फेंकेगा बार बार, राइट, और ये दीवार गीली हो जाएगी, और ये क्या करेगा? टैप को ऑन करेगा और बहुत सारा पानी इस पर क्या इस तरह से उड़ेल देगा, ठीक है। दोनों केस में दीवार गीली हो गई। अब सी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, आई एम रिपीटिंग द लाइन अगेन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर। चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाना वो डिस्क्रीट नेचर का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ए बॉडी ने बी बॉडी को चार्ज देना है, चार्ज के नाम पर वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ही चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार्ज को लेने का तरीका यही है, या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या गेन कर दे। अब ए बॉडी से बी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो कैसे जाएंगे? जस्ट आपको एक इमेजिनेशन करनी है कि इस मार्कर से इस मार्कर में आपको चार्ज का ट्रांसफर नजर आ रहा है। जस्ट इमेजिन कि यहां से
एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से क्या कई हजारों इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके अंदर क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट? जस्ट इमेजिन दिस। तो क्या ये डिस्क्रीट नेचर ना हुआ? डिस्क्रीट का मतलब है पार्टिकल बाय पार्टिकल बाय पार्टिकल क्या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज, तो आपको ये चीज तो क्लियर होगी होगी कि जो चार्ज का ट्रांसफर है वो इस तरह का है, इस तरह का नहीं है, कॉन्टिन्यूस नेचर नहीं है कि भाई 10 कूलम चार्ज भेजना है और क्या आपने क्या, जैसे कि अगर आपको किसी को आप पैसा देना है, दो तरीके है, तो आप चेक काट कर दे दो, चेक काट के आपने पकड़ा दिया 10 लाख क्या अमाउंट में ट्रांसफर हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप बहुत सारे 2000 के नोट्स दे दो, अब वो क्या होगा पार्टिकल बाय पार्टिकल, नोट बाय नोट आप क्या किसी पर्सन को दे रहे हो, राइट? तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट नेचर। तो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इफ यू आर गिविंग कैश, दैट मींस कैश इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, दैट इज डिस्क्रीट नेचर। बट इफ यू आर साइनिंग द चेक एंड गिविंग इट टू समबडी, देन इट इज कॉन्टिन्यूस नेचर। चार्ज का नेचर क्या है? डिस्क्रीट, ठीक है? तो मैं ये लिखूंगा यहां पर कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज डिस्क्रीट इन नेचर एंड ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ प्लस माइनस एन ई। अब ये प्लस माइनस एन ई क्यों लिख रहा हूं मैं, देखिए जरा, प्लस एन ई का मतलब बॉडी एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। माइनस एन ई का मतलब बॉडी एक्वायरिंग नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको बहुत ही डिटेल में अपने को समझना है, ठीक है? इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा जो खैर अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने लिख दिया कि ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को जो चार्ज मिलेगा वो क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन यहां पर भी कंडीशन है। वो कंडीशन समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। इस दुनिया के अगर मैं सबसे छोटे पार्टिकल की बात करूं जो कि नोन आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो है एक इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन 10,000 टाइम छोटा होता है दोनों के कंपैरेटिवली, यानी कि बहुत ही टाइनी है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg, राइट? प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 × 10⁻²⁻²⁻¹ kg। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है प्रोटॉन के कंपैरेटिवली, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है एक फिक्स क्वांटिटी में होता है, नेगेटिव चार्ज होता है जो कि ये होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। दिस इज द चार्ज कैरीड बाय द इलेक्ट्रॉन। और मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इस दुनिया के सबसे छोटे चार्ज की बात करूं तो वो यही होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इस दुनिया में दूसरा सबसे छोटा चार्ज कौन सा होगा? शायद 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि −3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। इससे बड़ा चार्ज क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज यानी कि −4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई एक बॉडी ने, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक ए बॉडी ने बी बॉडी को 0.32 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया, सो या ऐसा बोलूं कि हाँ 0.8 लिख देते हैं इसको ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को 0.8 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया, डज इट मेक सम सेंस? नो। व्हाई? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या है ये। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा देखो 0.8 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसका मतलब होगा आधा इलेक्ट्रॉन। क्या आधा 10 रुपए का नोट की कोई वर्थ है? नहीं ना, आधे इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। फिर मैं आपको ये बोलूंगी क्या ए बी को 14.4 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफर कर सकती है, आप क्या बनाओगे इसके लिए?
देखते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स इसको डिवाइड करके देखो डिवाइड एनी अमाउंट ऑफ चार्ज विद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर ये वैल्यू अब इसको अगर मैं सोल्व करूं ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 9 राइट तो ये वैल्यू कितनी मिली मुझे 9 नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं एक बॉडी दूसरी बॉडी को 9 इलेक्ट्रॉन दे सकती है एक बॉडी दूसरी बॉडी को 5 इलेक्ट्रॉन दे सकती है एक बॉडी दूसरी बॉडी को 10,000 इलेक्ट्रॉन दे सकती है एक बॉडी दूसरी बॉडी को 5.23 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकती 7.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकती 3.2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकती सो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज देने के लिए वो हमेशा क्या होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर ये एन की वैल्यू क्या होगी होल नंबर होनी चाहिए राइट तो तभी मैं बोलूंगा कि चार्ज उतना ट्रांसफर करना वैलिड है ठीक है तो अगर मैं बात करूं क्या 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है तो आंसर है यस क्यों क्योंकि आपने जब इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल रहा है यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ठीक है तो अब आप क्या लिखोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कि भाई इट सिग्निफाइज दैट ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज डिस्क्रीट इन नेचर एंड इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो यहां पर ये जो फॉर्मूला बना हुआ है आपके पास क्या वो इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई इसका मतलब यही है कि एन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे क्यू बाय ई करके जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और आपको जो एन की वैल्यू मिलेगी वो क्या होनी चाहिए प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री इस तरह से तब वो चीज वैलिड होगी अब देखो सीधी सी बात है ना अगर बॉडी ने प्लस एन ई गेन कर लिया प्लस एन ई का मतलब पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब ये नहीं कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया प्लस आ रहा है नहीं ये है कि देखो मैं कोई चीज क्लियर करता हूं ए ने बी को सपोज हम ऐसा बोल देते हैं कि 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज दिया तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका मतलब है कि ए ने बी को 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पर चार्ज कितना आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है जो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स को वो नेगेटिव होगी जो लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या होगी पॉजिटिव सो दिस इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस पर आपकी एनसीईआरटी में बड़े ही साधारण से सिंपल से क्वेश्चन दे रखे एक दो वो देख लेते हैं हम आपसे एनसीईआरटी में ये पूछा गया है कि विच इज स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम भाई एक कूलम और एक इलेक्ट्रॉन में से छोटा कौन सा है अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है तो आप क्या बोलोगे भाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है सबसे छोटा चार्ज है फिर आपसे ये पूछ लिया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज सी क्या इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस एन ई है ना अब आपसे सिर्फ नंबर पूछा है तो आप क्या कर सकते हो देखो क्या वन कूलम चार्ज की वैल्यू कितनी देखिए वन कूलम इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई का मतलब क्या होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ है ना ई का मतलब क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ अब आपने अगर एन की वैल्यू निकालनी है अब एन का नंबर है आप इसको क्या अभी जनरल तौर पर पॉजिटिव ले लो ठीक इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 कूलम डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम देखो इसको सॉल्व करना सिनेरियो क्या है 1 / 1.6 नीचे कितना है 10⁻¹⁹ लिसन सॉल्व कैसे करना है इस माइनस 19 को अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ये 10⁻¹⁹ नाउ दिस बिकम 1/1.6 सॉल्व करूंगा ये पॉइंट हटा दो यहां से तो ये 10 ऊपर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा ये 0.625 × 10⁻¹⁹ सिंप्लीफाई करूं अगर इसके नीचे क्या आ जाएगा 30 है ना तो ये 30 जब 19 में मैं ऐड करूंगा देखो यहां पर क्या बन जाएगा 10⁻³ 1000 को लिख सकते हम 10⁻³ तो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 में माइनस राइट सो यू विल गेट आंसर 625 × 10⁻¹⁶ इतने ज्यादा ये कई अरबों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है एक कूलम के अंदर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे 1 कूलम चार्ज में राइट सो
मूविंग ऑन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ये कर चुके हो तो अगला क्वेश्चन देखो जरा एक बार। इसी वे में अगर मैं आपको ये बोलूं, इसी वे में अगर मैं आपको ये बोलूं कि सपोज करो एक वाटर ड्रॉपलेट है, इस वाटर ड्रॉपलेट के पास 27 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए इसके सरफेस पर, ठीक है। अब आपको बताने कि इसने कितना चार्ज कैरी कर रखा है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, चाउ इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आकर इकट्ठा हुए हैं तो ये ऑब्वियसली प्लस एनी तो नहीं होगा, ये क्या होगा माइनस एनी, इट विल अक्वायर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया तो आप चाउ निकालना चाह रहे हो। एन की वैल्यू कितनी है 27, ई का मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल चार्ज कैरीड बाय दिस वाटर ड्रॉप। आई होप कि आपको चार्जेस का बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग समझ आया होगा। इतना डिटेल में आई डोंट थिंक कि आपको YouTube पर किसी और वीडियो में मिलेगा। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, राइट, तो देखिए, और उस बात का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी एक चॉकलेट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, राइट, देखते ही कौन सा बच्चा मुझे उस बात का आंसर देगा जो भी पूछूंगा मैं आपसे। सो दिस इज योर चॉकलेट क्वेश्चन। अभी आप अगर चार्जेस को पढ़ चुके हो, आप इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से समझ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन्स दुनिया के सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है ना, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। सो माय क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दो सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं। हुआ क्या, इस सिलेंडर को मैंने क्या किया, रब किया। अभी आपको मैं एक छोटा सा आपकी डेली लाइफ पे एग्जांपल देता हूं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो आपका प्लास्टिक वाला स्केल होता है, जब उसको आप हेयर से रब करते हो, रब करने के बाद आप देखते हो कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम कि जब हम रब कर रहे हैं तो यानी कि हमने फ्रिक्शन क्रिएट किया, फ्रिक्शन से हीट एनर्जी पैदा हुई। हाथों को आप ऐसे रगड़ो, रगड़ने से क्या होगा, हाथों में क्या फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन से हीट एनर्जी, तो उस हीट एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल गए। ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, बट आपने ऐसा ऑब्जर्व जरूर किया होगा, मोस्टली बच्चों ने। इसी तरह से अगर आप एक बैलून को कंटिन्यूसली अपनी टी शर्ट से या शर्ट से रब करो, उसको दीवार पे चिपका दो तो वो चिपक जाएगा, वो भी चार्ज हो जाएगा ना। चार्ज होने से क्या हुआ, अट्रैक्ट कर लिया उसने दीवार को, स्केल ने चार्ज होकर क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया कागज के टुकड़ों को। इसी तरह से आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो पहले वाले टीवी होते थे, टीवी की स्क्रीन के आगे से जब आप गुजरते थे तो आपकी जो ये जो हैंड के जो हेयर्स है, ये कहीं ना कहीं ऐसे अट्रैक्ट हो जाते थे, आपको ऐसे फीलिंग आती थी कि कुछ करंट दौड़ रहा है, राइट। या कभी आपको कूनी पर ऐसे करंट लगा होगा, जैसे आपकी कूनी कभी किसी सरफेस से टकराई होगी। तो ये सभी फिनोमिनस कहीं ना कहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है। हमारा क्वेश्चन क्या है जिसका मुझे आप आंसर करोगे, कि एक ए बॉडी को हमने रब किया, रब करते ही इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि रब करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए एक्साइट होकर, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया। तो क्वेश्चन इज, पहले इस बॉडी का जो मास था वो 10 kg था, अब इस बॉडी का मास 10 kg होगा या मास इसका चेंज हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूं अगर, डज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अफेक्ट द मास ऑफ द बॉडी। सो इस बात का आंसर देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में मुझे कौन पहले बताएगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं हूं नवनीत भंडारी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को अब तक कुछ अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा था 10th साइंस को लेकर। आई होप कि हम आप लोगों का साइंस को सोचने का तरीका बदल देंगे, राइट, क्योंकि कुछ बच्चों को 10th में आकर साइंस का फोबिया हो जाता है, मैथ का फोबिया हो जाता है कि अब कैसे होगा आगे, राइट, मैं नॉन मेडिकल तो नहीं लूंगा या नॉन मेडिकल नहीं लूंगी, बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप कंसेप्ट को फील कीजिए और सराउंडिंग में ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है, राइट। सो दिस इज योर चॉकलेट क्वेश्चन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।